जबलपुर के गोहलपुर थाना अंतर्गत बधैयापुरा में आधी रात को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गणेश पंडाल में बैठे एक युवक पर दनादन फायरिंग कर दी, जिसमें युवक घायल हो गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी एवं भगदड़ की स्थिति मच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाशी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक बधैयापुरा रावत टेंट हाउस के बाजू में गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां बीती रात ग्रीन सिटी निवासी रविंद्र गुप्ता, जो पंडाल में बैठा हुआ था, रात 2:30 से 3 बजे के आसपास तीन मोटरसाइकिलों से 6 बदमाश पहुंचे, जिनमें से 2 युवकों ने दनादन फायरिंग कर दी, जिसमें से 1 गोली रविंद्र गुप्ता को लग गई। वहीं पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज करते हुए क्षेत्र में लगी CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की शिनाख्त हो सके। PBC के लिए जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। जी कौन सी जगह है और क्या घटना हुई है? बधैयापुरा जी, कल 3 बजे के करीब 15 मिनट कम था, 3 गाड़ी यहाँ से निकली, 2 या 3 थी, क्योंकि कि वो रुके नहीं इधर पे। यहाँ से उन लोग आए और मद्दी करी, गाड़ी खड़ी करी, एक फायर की आवाज़ हम लोगों ने सुनी है और वो गोली उसको लगी है। यहाँ पे वो मद्दी करती, चिल्लाए लाए कुछ नहीं, सीधे गोली मार के भागे हैं साइड से दमुना करके। बाकी जो भी घटना है वो भैया ने देखी है, भैया यहीं बैठे थे, हम लोग इधर बैठे थे। कौन घायल हुआ है? घायल हुआ है रविंद्र गौतम, वो रहता है ग्रीन सिटी पे, यहाँ पहले 20 वर्ष पहले यहाँ रहता था, तो यहाँ आता है, आप बैठ गया था आज, तो उठ के जैसी गोली चली है, एक गोली वो उठ के भागने को किया है, फिर उसको लग गई कमर। यहाँ पे कौन कौन बैठा था? कितने लोग यहाँ पे? सर समिति के 3-4 लड़के थे और गगन भैया थे, बस 5-6 लोग बैठे। कोई बुराई पड़ाई है? हम लोगों को तो नहीं पता सर। नाम आपका? अरे प्रदीप सोनी जी। कौन सी जगह है और क्या घटना हुई है? ये सेवंगढ़ समिति बधैया मोहल्ला रावत टेंट के बाजू में। क्या घटना सर? सर ये 2:48 पे 3 बाइक आई, उसमें 6 लोग थे, सब नकाबपोश थे, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। उन लोग ने सूजी मोहल्ला साइड से आए हैं, उनने यहाँ लगातार फायरिंग की है, 2-3 राउंड चले हैं उसमें, और उसके बाद समझ लो वो यहाँ से चले गए मेन रोड से वो दमुनाका साइड गए हैं। किस कि कौन घायल हुआ है घटना? इसमें रविंद्र गुप्ता करके एक लड़का था हम लोग की समिति का, वो घायल हुआ, उसको पीठ में गोली लगी उसको। और कितने लोग थे? 6 लोग थे 3 गाड़ी में। सभी फायरिंग कर रहे थे? नहीं नहीं, उसमें 2 लोग फायरिंग कर रहे थे, उसमें बाकी लोग गाड़ी चला रहे थे। नाम आपका? नीलेश रावत। गोली चली रात में? हाँ, ये बधैयापुरा है थाना गोहलपुर क्षेत्र में, वहाँ करीबन रात को 2:30-3 बजे के बीच में जो गणेश पंडाल था उसके पास कुछ लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोग आए, उन्होंने फायर किया, जो एक रविंद्र गुप्ता लगा उसके पीठ में लगा है, इलाज है, FIR हो गई है, विवेचना जारी है। सर पता चला अभी तक कुछ आरोपियों? नहीं अभी नहीं पता ऐसी कर रहे हैं, CCTV फुटेज वो सब कर रहे हैं, CCTV दिखा रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है जिस स्तर से कर सकते हैं हम लोग सब उसमें लगे हुए, और जल्दी उसको पकड़ लेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।